तेजस्वी यादव ने पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास को बनाया कोविड केयर सेंटर। हमने पूरी तरीके से सारा इंतजाम एक नंबर में एक पोलो आवास में जो है हमने किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा और कहा कि जवाब का इंतजार रहेगा। जो जरूरत की चीजें हैं वो हमने व्यवस्था एक नंबर पोलो रोड में किया है। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को 4 साल में चिट्ठी लिखा लेकिन उसका कोई अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कोहराम से सभी लोग आहत और परेशान है। वही सुविधा को लेकर नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। इस बीच राहत वाली बात यह है कि कोरोना संक्रमण दर में कमी आई है, लेकिन राज्य में सियासी उठापटक तेज होता दिख रहा है। जब सुप्रीमो पप्पू यादव के जेल जाने के बाद पहली बार राजधानी पटना से जो खबर आ रही है थोड़ा सुकून देने वाली है। इस कोरोना काल में लोगों की मदद करने के लिए अब राजद नेता तेजस्वी यादव भी कूद पड़े हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना के पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से इस सेंटर को शुरू करने का आग्रह किया है। तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र भी लिखा जिसमें अपने आवास को कोरोना आइसोलेशन सेंटर सह कोविड सेंटर में बदलने के साथ साथ इस विकराल स्थिति में उठाए गए कदम के लिए सरकार से जवाब भी मांगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पिछले 4 साल से भेजे गए एक भी पत्र का जवाब तक नहीं दिया। मैं राज्य सरकार से फिर से अपील करता हूं कि जो सरकारी आवास जो हमको आवंटित किया गया है एक पोलो रोड, उसको लेकर के आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाएं, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाएं, क्योंकि मरीज जो हैं बिहार के उनको सरकारी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही। इसलिए हमने पूरी तरीके से सारा इंतजाम एक नंबर में एक पोलो आवास में जो है हमने किया है। चाहे बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवा हो, खाने पीने की सामग्री हो, पूरी तरीके से मेडिकली इक्विप्ड जो जरूरत की चीजें हैं वो हमने व्यवस्था एक नंबर पोलो रोड में किया है। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को 4 साल में चिट्ठी लिखा लेकिन उसका कोई अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। उम्मीद करते हैं कि एक सकारात्मक पहल, एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम तो अपने सरकारी आवाज देना चाहते हैं और ये चला नहीं सकते सेंटर क्योंकि सरकारी बंगलो है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि वो टेक ओवर करके इसको चलाने का काम करे और जो भी मदद हो सकता है वो हम करने के लिए तैयार हैं। वी आवर्स न्यूज़ ब्यूरो।